बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड में फर्जी लाइसेंस पर दौड़ रही बड़ी गाड़ियां। एमपीएल में गाड़ियां चलाने वाले 89 चालकों का लाइसेंस फर्जी है। परिवहन विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी लाइसेंस पर चल रही है भगवती ट्रांसपोर्ट की 7 गाड़ियां। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के देवर की गाड़ी भी है शामिल इसमें। परिवहन विभाग वाहन मालिकों को भेजेगा नोटिस, लगेगा इन पर जुर्माना। फर्जी लाइसेंस पर ये गाड़ियां दौड़ रही है सरपट सड़कों पर। आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से ये फर्जी लाइसेंस पर यहां पर गाड़ियां दौड़ रही है। और अब परिवहन विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा पाया गया है। और सीधा रुख करेंगे धनबाद। हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ रहे अरुण बनवाल। अरुण, धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड में फर्जी लाइसेंस पर ये गाड़ियां सरपट दौड़ रही है, बड़ी गाड़ियां हैं। और एमपीएल में गाड़ियां चलाने वाले 89 चालकों का लाइसेंस फर्जी है, इनके लाइसेंस फर्जी है, सड़क दुर्घटना होगी, कौन जिम्मेवार होगा? अरुण देखिये जिसान, इसी मामले को लेकर इसी घटनाएं जो सड़क दुर्घटनाएं की जो घटना बढ़ रही है इन दिनों जिले में, उसी को लेकर जिला प्रशासन ने यह एहतियात बरता है। और जितने जो बड़े कंसर्न हैं उस पर जो गाड़ियां चल रही है उसका उसके पूरे दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ड्राइवरों के परिपक्वता की जांच की जा रही है, उनके डीएल की जाँच की जा रही है। तो इसी कड़ी में जो निरसा का जो मैथन पावर प्लांट है उसके 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 अधीन जो चलने वाली गाड़ियाँ हैं उसकी जाँच परिवहन विभाग के द्वारा की गई है। टोटल 261 गाड़ियों के दस्तावेज मंगाए गए थे, जिसमें हेवी व्हीकल्स ही मैक्सिमम है, कमर्शियल व्हीकल है और हेवी व्हीकल्स अधिक हैं। तो इस दरमियान जो दस्तावेज जो प्रस्तुत किए गए एमपीएल के द्वारा, उसमें 261 में 89 डीएल ऐसे थे जो पूरी तरह से फर्जी पाए गए। उसके आंकड़े कहीं किसी भी, उन्होंने स्मार्ट कार्ड तो उपलब्ध करा दिया था लेकिन कहीं कंप्यूटर में ऑनलाइन चेक करने के बाद कहीं उसका कुछ अता पता नहीं चला। तो ये 89 ऐसे पाए गए जो पूरी तरह से फर्जी थे। इसके अलावा दर्जनों ऐसे पाए गए जो दूसरे के डीएल के आधार पे गाड़ियां चलाई जा रही थी। और यहां पर एक और मजेदार बात पता चला है जिसान, जब जांच में देखा गया तो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है और उसके आधार पे हेवी व्हीकल्स लोग चला रहे हैं उस लाइसेंस को प्रस्तुत करके। तो ये बहुत बड़ा एक मामला है जो सड़कों पे दुर्घटना का जो एक बहुत बड़ा कारण बनता है उसका ये भी एक पक्ष है जिसान। लेकिन दूसरे पक्ष की अगर हम बात करें तो जिस तरह लोग बताते हैं अपनी परेशानी, जो एक अमूमन जो ड्राइवरी करते हैं वो बहुत मध्यम लोअर मध्यम वर्ग के लोग होते हैं और जो ड्राइविंग कमर्शियल लाइसेंस जो बनाना होता है उसमें हजारों रुपए के लगभग 35 से 40 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं तब कमर्शियल लाइसेंस बनेगा। तो ऐसी स्थिति में उनके पास 2-4-5-10 हजार रुपए देकर फर्जी लाइसेंस ले लेते हैं या दूसरे के आधार पर करते हैं, उसके बाद अपना वाहन चलाने का काम करते हैं। तो ये दोनों पक्ष है जिसमें एक तो गरीबों को जो ड्राइवरी करते हैं उनको कमर्शियल लाइसेंस उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार को पहल करना पड़ेगा और उसकी उचित कीमत दर करनी पड़ेगी। और दूसरा जो कंपनी है उसको देखना पड़ेगा कि वो ऐसे दस्तावेजों के आधार पर अपने अधीन गाड़ियां ना चलाए। जी साहब, विधायक के देवर की गाड़ियां भी इसमें शामिल है जिनके फर्जी लाइसेंस है ड्राइवरों के। कुछ पहुंच वाले लोग हैं क्या, अपनी पहुंच की वजह से ये कामयाब हो जाते हैं? बिना पुख्ता लाइसेंस के ड्राइवरों को गाड़ियां मिल जाती है बड़ी गाड़ियां चलाने के लिए? देखिए जिसान, इसमें न सिर्फ निरसा विधायक के रिश्तेदार बल्कि कई ऐसे रसूखदार और दबंग लोग हैं जिनके वाहन वहाँ चलते हैं और वो प्रबंधन की यहाँ पे ये लापरवाही है कि वो दस्तावेज तो मिलता है लेकिन उन दस्तावेजों की सही से बारीकी से बगैर जांच किए उनका सिर्फ अपना फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं और गाड़ियों का परिचालन की अनुमति दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं पे अंकुश लगाना कठिन हो सकता है और उसी के मद्देनजर इस तरह का प्रशासन के आधार पर परिवहन विभाग ने अब कार्रवाई की है और अब ऐसे तमाम लोगों को नोटिस जा रही है और उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। उनके खिलाफ जो भी नियम संबद्ध कार्रवाई हो वो कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, तो परिवहन विभाग अब इस पूरे मामले में रेस हो गया है और दस्तावेज अब जांचे जाएंगे, लाइसेंस की बारीकी से जांच होगी, जुर्माना वसूला जाएगा, फाइन किया जाएगा। हमारे सहयोगी अरुण वर्मा तमाम जानकारी दे रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी देने के लिए। तो फर्जी लाइसेंस पर दौड़ रही ये गाड़ियां, आपको जानकारी देना चाहेंगे। परिवहन विभाग अब रेस हो चुका है, परिवहन विभाग की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। फर्जी लाइसेंस पर चल रही है कई गाड़ियां। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता के देवर की गाड़ी भी इसमें शामिल है। कई रसूखदार लोग ऐसे हैं
जिनकी गाड़ियां बिना सही लाइसेंस के यानी फर्जी लाइसेंस की ये गाड़ियां सर पर दौड़ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कई ड्राइवर हो सकते हैं जिनको पूरा एक्सपीरियंस नहीं होता हैवी व्हीकल चलाने के लिए, बड़ी गाड़ियां चलाने के लिए। सड़कों पर जब ये गाड़ियों को लेकर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर ये दुर्घटनाओं को दावत देते हैं। भगवती ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, 7 गाड़ियां भगवती ट्रांसपोर्ट की है। निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के देवर की गाड़ी भी इसमें शामिल है। और अब परिवहन विभाग इस मामले में रेस हुआ है, मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे और उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। धनबाद में मैथन पावर लिमिटेड में फर्जी लाइसेंस पर ये गाड़ियां दौड़ रही है। प्रबंधक को भी चाहिए कि वो कागजात की सही जांच करे, क्योंकि ये हैवी व्हीकल होते हैं, बड़े वाहन होते हैं और कई बार क्या होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती है, क्योंकि सारी जिम्मेवारी होती है वो एक एक्सपीरियंस्ड जो ड्राइवर होता है उसके हाथ में स्टीयरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ियों को हैवी व्हीकल को आप लेकर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, निकल रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए, सड़क परिवहन के नियम आपको आने चाहिए। लेकिन देखिए किस तरह से फर्जी लाइसेंस पर ये गाड़ियां सर पर दौड़ रही है। लगेंगे आखिर कैसे फर्जी लाइसेंस पर ये गाड़ियां चल रही हैं। एमपीएल में गाड़ियां चलाने वाले 89 चालकों का लाइसेंस फर्जी है। 89 चालक ऐसे हैं जिनके लाइसेंस फर्जी है और परिवहन विभाग की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है।